नमस्कार दर्शक बंधु, मुझ ज्ञान रंजन स्वागत करुच्छे आपंक फाइट फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल को। जदि आपर्त आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज तले घंटी आइकन को दबाई सब्सक्राइब करनी, ताफल आम रिसेंट अपडेट्स आपने। मुझे आज नहीं आ फिजिक्स स्पेशल बेस्ट 20 क्वेश्चन 20 T20 खेल साउंड चैप्टर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ कनसेप्ट मुझे आज देवी आपन तले घंटी आइकन निश्चय दबाई सब्सक्राइब करनी। चलत आरंभ कर डेरी नक आज कौन रही क्वेश्चन एवं कनसेप्ट साउंड विषय जी। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर, आंसर दिं जल्दी। एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड दैन ए फील्ड वन बिकॉज ऑप्शन ए द लिक्विड इन द फील्ड वेसल ऑब्जर्व द वाइब्रेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बी द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एम्प्टी वेसल हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड हेन्स ग्रेटर इंटेंसिटी दैन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन द फील्ड वेसल, सी द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कंटेंट इन द वेसल व्हेन फिल्ड, डी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द एयर कॉलम इज ग्रेटर दैन एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड कॉलम। क्वेश्चन टी लंबा हो पाए कि क्वेश्चन बहुत इजी रही। सठिक उत्तर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एयर मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड हेन्स ग्रेटर इंटेंसिटी देन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन द फील्ड वेसल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। मो पीडीएफ मध्ये लिंक डिस्क्रिप्शन दे देबी, आपण माने सेठी जाई डाउनलोड करबे। या परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी क्वेश्चन। इको इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बी डिस्पर्शन ऑफ साउंड, सी ऑब्जर्प्शन ऑफ साउंड, डी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जीवा परवर्ती प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 3। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ वेल एंड स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड पर शुणाला। आफ्टर द स्टोन हिट्स द वाटर सरफेस इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 327 मीटर पर सेकेंड देन द डेप्थ ऑफ द वेल इज केते, आपण एठी बतांतो। सठिक उत्तर होची आपणकर 490.5, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने आपको पड़ो 327 × 1.5 मल्टीप्लाई कर करदे आपन को आसीज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 490.5, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। जीवा परवर्ती प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म समय लाइटनिंग इज सीन फास्ट देन थंडर इज हैड लैटर, प्रथम लाइटनिंग देखा जाए थंडर देखा जाए, व्हाई कौन पाई। ऑप्शन ए फास्ट लाइट देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, बी लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, सी साउंड ट्रैवल्स फास्टर देन लाइट, डी साउंड बिकम्स फेबल ड्यू टू स्टर्म। ये सठिक उत्तर आपणकर ऑप्शन नंबर बी लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट के 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड बट साउंड 332 मीटर पर सेकेंड बहुत लेस, सो लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन द साउंड, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। जी परवर्ती प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5। इन द माइक्रोफोन यूज इन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो माइक्रोफोन इस्तेमाल हो जाए, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक सिग्नल आर फास्ट कन्वर्टेड इंटू साउंड वेव्स, बी साउंड वेव्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड, सी साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक सिग्नल हुई आर एम्प्लीफाइड देन ट्रांसमिटेड, सी ऑप्शन डी है एम्प्लीफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सठिक उत्तर आपणकर ऑप्शन नंबर सी द साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हुई आर एम्प्लीफाइड एंड ट्रांसमिटेड। जीवा परवर्ती प्रश्न को, प्रश्न टी बड़ हो पारे किंतु प्रश्न किसी ना, क्वेश्चन नंबर 6। सितार मास्टर रविशंकर इज प्लेइंग सितार ऑन इट स्ट्रिंग एंड यू एज ए फिजिस्ट अनफॉर्चुनेटली विदाउट म्यूजिकल इयर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑडिटीज, ऑप्शन ए द ग्रेटर लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द स्मॉलर इट्स फ्रीक्वेंसी, टू द ग्रेटर द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग द ग्रेटर इट्स फ्रीक्वेंसी,
थर्ड द हेवियर द मास ऑफ द स्ट्रिंग द स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी दी द इनर द थिनर द वायर द हायर इट्स फ्रीक्वेंसी द मास्टर सिग्नल द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट वन ताले को ऑप्शन डा करेक्ट एटा होची प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपन को पाई क्वेश्चन टा भलसे पढंतु वेरी इजी अछि आपन निश्चय करि परे बोली मोर आशा छठी को तरह होची आपनकर 1 2 3 एंड 1 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 7 ए बिग एक्सप्लोजन ऑन द मून कैनॉट बी हार्ड ऑन द अर्थ बिकॉज़ कौन पाई सुना जीवनी ऑप्शन ए द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी एंड साउंड वेव व्हिच आर इनऑडिबल बी साउंड वेव्स रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन सी साउंड वेव्स आर ऑब्जर्व इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून डी साउंड वेव्स आर ऑब्जर्व इन अर्थ एटमॉस्फेयर सो सटीक उत्तर होची अपनकर बी साउंड वेव्स रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑल ऑफ यू नो इन द मून देयर इज नो मीडियम वैक्यूम सो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 8 ए मैन सेट्स हिज वॉच बाय व्हिसल दैट इज टू की मी अवे हाउ मच विल हिज वॉच बी इन एरर स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड ताले ऑप्शन ए 3 सेकंड फास्ट बी 3 सेकंड स्लो सी 3 सेकंड फास्ट सॉरी 6 सेकंड फास्ट डी 6 सेकंड स्लो एटा होजे आपनकर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अछि आपनकर एठी आपनकर करिया पई हेले आपनकर टी समान डी बाय वी डी केता छ आपनकर 2000 2000 विभक्त क आपनकर 330 कटि गले 00 कटि गला आ रहिला आपनकर 6.06 सेकंड दैट इज एप्रोक्सीमेटली 6 सेकंड स्लो सठिक उत्तर होचे आपनकर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन ऑप्शन ए एयर बी वाटर सी वैक्यूम डी स्टील ऑल ऑफ यू नो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील इज मैक्सिमम आउट ऑफ द गिवन मटेरियल्स वाटर एंड एयर इन वैक्यूम साउंड कैन नॉट ट्रैवल इट्स स्पीड इज जीरो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज सॉरी ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर दैट इज स्टील जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 10 फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑडिबल साउंड इज ऑप्शन ए 0 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज सी 20 किलो हर्ट्ज टू 20000 किलो हर्ट्ज डी 20 किलो हर्ट्ज टू 20 मेगा हर्ट्ज सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर बी डी दैट बी दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ज दैट इज बी द करेक्ट आंसर जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 11 ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज सोनोमीटर वर्क्स वन हुक्स लॉ बी इलास्टिसिटी सी रिजोनेंस डी न्यूटन्स लॉ सो करेक्ट आंसर इज रिजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस सोनोमीटर वर्क्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन वी हियर ए साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड सी वेवलेंथ ऑफ साउंड डी ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ यू नो द साउंड ऑफ डिफरेंट सोर्स आर सेड टू डिफर इन क्वालिटी द नंबर ऑफ ओवरटोन्स एंड देयर रिलेटिव इंटेंसिटी डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल साउंड सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड डी द करेक्ट आंसर जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 13 कहला इन द म्यूजिकल ऑक्टेव सा रे गा ऑप्शन ए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट सा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रे गा बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट सा इज स्मॉलर देन दैट ऑफ रे गा सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल नोट्स सा रे गा इज सेम डी द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस इन द सिक्वेंस ऑफ सा रे गा
ऑल ऑफ यू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट सा इज 256 हर्ज व्हाइल द नोट ऑफ रे एंड गा रेस्पेक्टली 288 एंड 320 हर्ज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट सा इज स्मॉलर देन दैट ऑफ रे एंड गा. जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 14. इन एन ऑर्केस्ट्रा द म्यूजिकल साउंड्स ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑप्शन ए पिच, बी लाउडनेस, सी क्वालिटी, डी ओवरटोन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज क्वालिटी. वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर. जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 15. द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द सीट्स इन ऑडिटोरियम हैज साउंड अब्जर्विंग प्रॉपर्टीज व्हाई. ऑप्शन ए इट रिड्यूसेस रिवर्बरेशंस, बी इट मेक्स द क्वालिटी साउंड बेटर, सी इट मेक्स द साउंड ट्रैवल फास्टर, ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज इट रिड्यूसेस रिवर्बरेशन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 16. सितार इज ए क्वेश्चन नंबर 16. सितार इज ए ऑप्शन ए विंग इंस्ट्रूमेंट, बी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, सी परकशन इंस्ट्रूमेंट, डी रीड इंस्ट्रूमेंट. सो करेक्ट आंसर इज आपणकर सठिक उत्तर होची स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 17. बैट्स कैन हॉन्ट एट नाइट. ऑप्शन ए देयर आई साइट इज गुड, बी दे कैन स्मेल देयर प्रे, सी द हाई पिच द अल्ट्रासोनिक स्क्वेस ऑफ द बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स और प्रे एंड रिटर्न टू द बैट्स ईयर एंड दस बैट इज एबल टू डिटेक्ट, डी ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी द हाई पिच अल्ट्रासोनिक. यहाँ हूँ आप सठिक उत्तर. ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर. गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वुड बी. टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वुड बी. ऑप्शन ए 17 मीटर, बी 34 मीटर, सी 68 मीटर, डी 340 मीटर. सो सठिक उत्तर होची आपणकर दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 17 मीटर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. जीवा परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 19. अर्थक्वेक प्रोड्यूस व्हिच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉकवेव बिगिंस. ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, बी इंफ्रासाउंड, सी ऑडिबल साउंड, डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज इंफ्रासाउंड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जीवा परवर्ती प्रश्न को स्पीड ऑफ द साउंड. लास्ट क्वेश्चन एटा होची आपणकर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. स्पीड ऑफ द साउंड. ऑप्शन ए डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, बी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच इट ट्रैवल्स, डी ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑल ऑफ यू नो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट एंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच इट ट्रैवल्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑल अबव द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ଏଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ T20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଆପଣ T20ରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସ୍କୋର କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ. ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭାବେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର CTBD ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସୁଛୁ. ଏତିକି ମୁଁ ରଖୁଛି. ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ. CTBD ର ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ. ଏତିକି ମୁଁ ରଖୁଛି. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ.